एस सी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन क्या है? टू स्मॉल बॉल ए एंड बी ईच ऑफ मास एम आर जॉइंड रिजिडली बाय अ लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ एल। द रॉड इज क्लैंप्ड एट द सेंटर इन सच अ वे डेट इट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट सेंटर। द सिस्टम इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एक्सिस। पार्टिकल पी ऑफ मास एम केप्ट एट रेस्ट स्टिक्स टू द बॉल ए एज द बॉल कोलाइड विथ इट। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड। दो मास गिवन है एम, दोनों का मास सेम है एम, और दोनों एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मास है, ये मान लो ए है तो ये बी हो गया। और लेंथ कितना गिवन है हमें, एल लेंथ का रॉड है। और यहाँ से सेंटर पर वर्टिकली मीन्स इस तरह से ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। राइट, ये अपने को गिवन है मास एम और मोशन क्या है, ओमेगा स्पीड से घूम रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सी मास लेके आए, सी पार्टिकल लेके आए जिसका मास सेम है एम, और उसको लाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो किस पे रखा, ए पे रखा या बी पे रखा, ए पे रखा। तो ए पे रख दिया यानी यहाँ पे डबल मास हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो एंगुलर स्पीड में चेंज क्या आएगा, समझो क्वेश्चन। पहले ए और बी थे, एंगुलर स्पीड ये था, अब सी को ए के ऊपर रख दिया तो स्पीड में क्या चेंज आएगा, क्लियर है? ओके, तो इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो अगर पूरा एक सिस्टम है तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, ज़ीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। राइट, तो आई ओमेगा ये 1 1, तो ये 2 2। तो अब इनिशियली ओमेगा दे रखा है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, तो आई वन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर जब ए और बी सिर्फ दो ही हो। तो देखो ये क्या आएगा, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका क्या होगा, एम इन टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर, फिर सेम ये एम इन टू आर स्क्वायर, तो ये एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना है, एल बाई टू, तो एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर, यानी ये आंसर आ जाएगा 2ml² / 4, यानी ml² / 2। ये तो आ गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जब सी पार्टिकल एक तीसरा पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा, mr² + mr² + mr², राइट, डिस्टेंस सेम, यानी मैं 3 times ml² / 4 लिख सकता हूँ। राइट, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सेकंड का। ओके, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ये ml² / 2 into ओमेगा इज इक्वल टू 3/4 ml² × ओमेगा-। ठीक है, तो ml² कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, ओमेगा- आ जाएगा 2/3 ओमेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।